हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दातराय कस्बे के अटल सेवा केंद्र पर जिला कलेक्टर बाबूलाल मीणा की अध्यक्षता व अतिरिक्त जिला कलेक्टर आशाराम डूडी, उपखंड अधिकारी शैलेंद्र सिंह, विधायक जगसीराम कोली, विकास अधिकारी प्रदीप मायाला, तहसीलदार सुरेंद्र पाटीदार व सरपंच राजाराम सुथार की मौजूदगी में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। चौपाल में कई लोगों ने सरपंच द्वारा पट्टे नहीं देने पर शिकायत की, जिस पर कलेक्टर ने हाईकोर्ट के आदेश अनुसार गोचर भूमि को छोड़कर बाकी सभी को पट्टा देने को कहा व गोचर पर अतिक्रमण नहीं करने की सलाह दी। रात्रि चौपाल में जिला कलेक्टर मीणा ने ग्रामीणों की विभिन्न समस्याओं का समाधान कर राहत प्रदान की। रात्रि चौपाल में ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर संबंधित विभागीय अधिकारी द्वारा तत्काल प्रभाव से निस्तारण भी किया जा रहा है। उसमें भी मैं आप सबसे मेरा आग्रह रहेगा कि आप जो भी लाभार्थी जो है उसमें आप 18 तारीख को अपना शिविर लगे, कैंप लगेगा और उसमें आप सब पधारे और उसमें उसका आप फायदा लें और ऋण माफी का प्रमाण पत्र लेने के बाद में और चाहे तो अपन वापस दोबारा उनको अपन ऋण दे सकते हैं। दूसरी बात ये किसानों की जो कुओं पर जो कनेक्शन वाले जो मामले हैं। रेवदर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।